नाजरीन आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल आगमऊ, मैं हूं नौशाद अंसारी, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन जैसा कि आपको बखूबी मालूम है कि मऊ ज़िले के घोसी में इन दिनों ज़िमनी इंतखाबात चल रहे हैं और सियासी सरगर्मियां हर तरफ पूरे अपने उरूज पर पहुंच गई हैं, जहां वर्कर अपने लीडरों के लिए गांव-गांव और एक एक घर में जाकर वोट की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब लीडरान भी लोगों से राबता कर रहे हैं, अवामी राबते के दौरान बड़े बड़े वादे और दावे भी कर रहे हैं कि अगर वो कामयाब होते हैं तो घोसी की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे, घोसी की सड़कों को बेहतर करेंगे और चीनी मिल से लेके बुनकरों के जो मसाले हैं उनको भी हल करने की कोशिश करेंगे। हम आपको बता दें कि आज जैसे ही हम घोसी पहुंचे तो घोसी में जो समाजवादी पार्टी का दफ्तर है और समाजवादी पार्टी के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं सुधाकर सिंह, यहाँ से साबिक MLA भी वो रहे हैं, जब वहाँ पहुँचे तो वो निकल कर अवामी राबता मुहिम में जा रहे थे। उससे पहले हमने उनसे कुछ सवालात किए, एक ख़ास इंटरव्यू उनसे हमने किया, उस इंटरव्यू में क्या उन्होंने बातें कहीं, आइए हम पूरी बात आपको सुनाते हैं। उससे पहले एक अपील करना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल आगमऊ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आइए हम आपको सुधाकर सिंह की पूरी बात सुनाते हैं। विधायक जी बताइए कि चुनाव कैसा चल रहा है आपका? चुनाव अच्छा चल रहा है, समाजवादी पार्टी का अच्छा भी निशान भारी मत से जीतने जा रहा है, बहुत परेशान है, दो बार मुख्यमंत्री का यहाँ पर आरोप हो चुका है, इसी से आपको प्रतीत होता होगा कि चुनाव किस दिशा को जा रहा है। किससे लड़ाई आप मान रहे हैं अपनी? हाँ, अपनी लड़ाई किसी से नहीं। ये मुख्यमंत्री आए हैं जो घोसी में, तो क्या लगता है इनके आने से कितना फर्क पड़ेगा? इनके आने से जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आपको समाजवादी पार्टी का सिंबल जो नहीं मिला तो उसे आपको फर्क पड़ने वाला है या मतलब वो भी फर्क नहीं पड़ेगा? समाजवादी पार्टी हम खुद हैं, यदि बाबरे आजम का वजीर आजम बरन खान, उनके बेटे हुमायूं का मंत्री बरन खान, उनके बेटे अकबर का मंत्री बरन खान, तो मैं अखिलेश यादव के बेटे अर्जुन को भी देख रहा हूँ, चौथी पीढ़ी का रहने वाला हूँ, उसको पार्टी का क्या असर है? मैं तो परमानेंट पार्टी का एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता थोड़ी किसी की। अच्छा, घोसी की सड़कें जो इतनी बदहाल हैं, तो अगर मान लीजिए आप जीत जाते हैं तो घोसी की सड़कों के क्या दिन बदलेंगे? जो सड़कें देख रहे हैं ये सड़कें सब हमारी बनवाई हुई, चाहे घोसी से मजवारा हो, चाहे घोसी से मधुबन हो, चाहे अली नगर से मधुबन हो, जितना है हमें सब, चाहे 40 बेड का अस्पताल हो, चाहे पटेली पीवा का हो, सब हमारा बनवाया हुआ। हमारी जाने के बाद चुनाव कली भी नहीं हुई है, ये सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है, ये सरकार की नीतियाँ हैं कैसा काम करेंगी। अभी ये आपके मिर्ज़ा जमालपुर में एक गाँव है जहाँ पे ट्रांसफार्मर न लगने के लिए मामला चल रहा है, 3 महीने से लाइट नहीं, आपने देखा भी होगा समाचार, क्या करेंगे उसके लिए? वोट देने से वो लोग बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। हम उनको वोट देने के लिए अपील करेंगे और उसके बाद हम लोग मिल बैठ के काम कर लेंगे। क्या पैगाम देना चाहते हैं घोसी की जनता को? सारे मऊ जनपद में सारे MLA भारी हैं, सांसद भारी हैं, यहाँ की जनता से हमारी एक ही अपील है, माफी अपने अपने क्षेत्र को भारी मतों से विजयी बनाना। थैंक यू।